नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वश्रेष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स को पोस्टपोन करने की, कैंसिल करने की मांग काफी समय से अभिभावकों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा और खुद बहुत से मिनिस्टर्स के द्वारा की जा रही थी। कुछ समय पहले हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी यही बात कही थी और अलग अलग स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी इसी बात पर जोर दे रहे थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग करी हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री पोखरियाल जी के साथ और उस मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया कि इस साल कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए और कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। जी हाँ, 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स को कर दिया गया है कैंसिल और कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है 1 जून को। सिचुएशन को फिर से रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि कक्षा 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स कब कंडक्ट करवाए जाएंगे। मतलब कि एक बात साफ है कि 1 जून से पहले तो कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स नहीं होने वाले और उसके बाद सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा, डेट शीट एक फाइनल होगी और उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि 1 जून के बाद भी काफी समय तक क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। आई बात क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स की, तो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को अडॉप्ट किया जाएगा जिसकी बेसिस पर बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे। यदि कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो उसे उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, लेकिन कब, जब सिचुएशन बेहतर होगी। लास्ट ईयर भी एक क्राइटेरिया डेवलप किया गया था, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डेवलप किया गया था जिसकी बेसिस पर स्टूडेंट्स की मार्किंग हुई थी। इसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी एक खबर के माध्यम से दी गई है न्यूज 18 चैनल के द्वारा, जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम कैंसल, 12th पोस्टपोन्ड। साफ साफ शब्दों में बताया गया है, आफ्टर अ मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द क्लास 12 एग्जाम्स एंड कैंसल द क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। 10th के लिए बताया गया है कि द रिजल्ट्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड एंड एनी स्टूडेंट हु वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स अलॉटेड टू हिम और हर ऑन द बेसिस will be given an opportunity to sit in an exam and when the conditions are conducive to be hold the exam। और 12th के बारे में कहा गया है साफ साफ शब्दों में कि the situation will be reviewed on June 1 and revised dates will be announced thereafter। over 30 lakh students appear for CBSE class 10 and 12 board exams every year on average। amid arising cases of coronavirus pandemic there is concern over the health of students and the teachers on duty during exams। क्योंकि स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स के हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी भी ड्यूटी लगती है एग्जाम्स के ड्यूरिंग। सिंस द एंटायर एकेडमिक सेशन इज बीइंग हेल्ड ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैव बीन डिमांडिंग एन ऑनलाइन एग्जाम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और जिसमें यह बात साफ कर दी गई है कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स हो गए हैं कैंसल और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स हो गए हैं पोस्टपोन। 1 जून को रिव्यू की जाएगी सिचुएशन और उस रिव्यू सिचुएशन करने के बाद लिया जाएगा फैसला कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स कब कंडक्ट करवाए जाएंगे और किस प्रकार से कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो यह है बहुत 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 ही महत्वपूर्ण जानकारी जो सबकी शिक्षा के माध्यम से मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आज आपके लिए लाई हूं। उम्मीद करती हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करेंगे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।